हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल. स्टूडेंट, टुडे इन दिस क्लास आई विल डिस्कस सम ऑफ द सेलेक्टिव क्वेश्चंस इन द डायमेंशनल एनालिसिस. कुछ खास तरह के क्वेश्चंस को यहां पर मैं डिस्कस करूंगा आज. सो वन क्वेश्चन इज ऑलरेडी मेंशन ऑन द बोर्ड. यू सी हियर, इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट कंसिडर किया जा रहा है. वो कौन सा है? कॉल्ड स्टार यूनिट. स्टार यूनिट है, एक नया सिस्टम बनाया गया है, उसको स्टार यूनिट कह रहे हैं क्वेश्चन में. और क्या कह रहा है उसमें? 1 kg स्टार इज इक्वल टू द 10 kg. भाई इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 kg स्टार की वैल्यू किसके इक्वल है? 10 kg के इक्वल है. एंड 1 meter स्टार इज इक्वल टू द 1 kilometer. In this question, there is 1 kilometer. 1 meter star, meter star, its value is given as 1 kilometer. इस वाले सिस्टम में 1 meter star की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 kilometer के इक्वल है. And 1 star second is equal to the 1 minute. भाई हम लोग तो पढ़े हुए हैं कि 1 meter, 1 minute में 60 seconds होता है. तो ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं. लेकिन यहां जो क्वेश्चन में बनाया जा रहा है उसमें बता रहा है कि 1 second स्टार इज इक्वल टू द 1 मिनट. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 joule? 1 joule भाई वर्क कर रहे हैं या एनर्जी भी कर सकते हैं. सो क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 joule इन दिस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट. इस जो नए सिस्टम ऑफ यूनिट में है उसमें 1 joule की वैल्यू कितनी होगी? भाई हम लोग पढ़े हुए हैं 1 meter इज इक्वल टू द 100 centimeter. ऐसे 1 newton इज इक्वल टू द 10^5 टाइम पढ़े हुए हैं. तो भाई वहां भी कैलकुलेट करते थे, 1 newton को कैलकुलेट करते थे टाइम में. तो मैंने पहले ही फॉर्मूला बताया है. क्या बताया है? तो उसी को अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो देखिए, पहले तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ उसको थोड़ा सा लिखते हैं. क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि 1 joule की वैल्यू को बताइए किसमें. तो हमको वैल्यू नहीं पता इसलिए लिख दिया N2. और किसमें बताइए? तो कह रहे हैं स्टार यूनिट में बताइए. तो भाई N2 की वैल्यू पता करना है, N1 की वैल्यू गिवन है. तो आप फॉर्मूला जान ही रहे हैं क्या होता है. N2 इज इक्वल टू द N1. आफ्टर दैट हियर इज m1/m2^a, जनरल फॉर्मूला. l1/l2^b, एंड t1/t2^c. तो भाई n2 की वैल्यू बस हमें पता चल जाए यहां पर तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. सो व्हाट अबाउट द n1? फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, तो भाई यहां लिख देंगे 1. अब हम देखते हैं कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में मास किस में है. तो भाई जूल तो ऐसा ही यूनिट है, तो मास की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगा? देयर विल बी द केजी, देयर विल बी द केजी. एंड व्हाट अबाउट द m2? तो m2 में जो मास दे रहा है वो किस टर्म में दिया हुआ है? केजी स्टार में. सो वी शुड राइट हियर द केजी स्टार, स्टार बना देंगे. और उसके बाद क्या लिखेंगे? पावर बाद में देखते हैं. फिलहाल यहां पर जब L1 लिखेंगे तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ की यूनिट क्या होती है? तो भाई मीटर होती है. और सेकंड में क्या यूज करना है? तो मीटर स्टार यूज करना है. सो वी कैन राइट हियर मीटर स्टार. एंड आफ्टर दैट हियर इज एस, सेकंड. और इस सिस्टम ऑफ यूनिट में देयर विल बी द सेकेंड स्टार. अब बच्चों हमें ए, बी और सी जो मास, लेंथ और टाइम पे पावर है उसको सोचना पड़ेगा. तो भाई जूल किसकी यूनिट होती है? इट इज यूनिट ऑफ वर्क. तो जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क का लिख करके समझ लेते हैं. सो वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डी से ही इंडिकेट कर देते हैं. तो आ जाएगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और साथ में आ गया डी,
एमएडी मैड, मैड आ गया है तो फॉर्मूला। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सबकी एसआई यूनिट लिख देते हैं पावर पता करने के लिए। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, इट इज केजी। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज मीटर। सो हियर वी गेट द यूनिट केजी, मीटर टू द पावर 2 एंड सेकेंड टू द पावर माइनस 2। तो भाई मास का पावर पता चल गया, लेंथ का पावर पता चल गया और टाइम का भी पावर पता चल गया, तो वही पावर यहां लिख देते हैं। सो व्हाट इज पावर ऑन के जी, इट इज 1। सो देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग द 1, वो ऑलरेडी रहता है भाई, जहां कोई नहीं वहां 1, गॉड इज ऑलवेज देयर, तो 1 तो है ही यहां पे। अब यहां पर कहते हैं मीटर पे पावर क्या 2, तो हम यहां लिख देते हैं 2, और सेकंड पे पावर क्या माइनस 2, तो यहां लिख दिया माइनस 2। अब बच्चों देखिए ये वाला इसे हम इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए। अब आगे के स्टेप में हमें क्या करना है, n2 इज इक्वल टू द 1। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें जूल को कन्वर्ट करना था स्टार यूनिट में। तो आप सोचेंगे अच्छा इसका मतलब कि केजी को कन्वर्ट करना होगा किसमें, केजी स्टार में। ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता है बच्चों, यू कैन कन्वर्ट आइदर दिस केजी इनटू द केजी स्टार, और यू कैन कन्वर्ट दिस केजी स्टार इनटू द केजी। दोनों में से किसी को भी हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि भाई हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं इसको जानिए, हम कन्वर्ट केवल इसलिए करते हैं ताकि ऊपर और नीचे वाले यूनिट सेम हो जाएंगे, तो यूनिट कट जाएंगे एंड देन वी विल गेट ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू। भाई n2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पता करने के लिए ही हम यहां पर यूनिट्स को 1 रखते हैं। 1 का मतलब क्या, एक ही में रखते हैं, तो किसी को भी किसी में कन्वर्ट करेंगे आंसर एक ही आना है। तो भाई हम करते क्या है, केजी स्टार को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ऊपर में तो केजी लिखा ही है, नीचे में बात करते हैं। सो व्हाट अबाउट द 1 केजी स्टार, इट इज 10 केजी। तो भाई 1 केजी स्टार लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे 10 केजी। देखिए कट गया ना, केजी से केजी कट गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सो हियर इज द मीटर एंड आफ्टर दैट व्हाट अबाउट द मीटर स्टार। तो मीटर स्टार की वैल्यू है इज इक्वल टू द 1 किलोमीटर। तो यहां पर हमें लिखना चाहिए 1 किलोमीटर, और उस पर पावर क्या है, तो पावर है 2। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेकेंड एंड आफ्टर दैट व्हाट द वैल्यू ऑफ 1 सेकेंड स्टार, इट इज इक्वल टू द 1 मिनट। मैं थोड़ा इसे बड़ा कर रहा हूं, 1 मिनट, MINUTE मिनट। एंड आफ्टर दैट देयर इज द पावर ऑफ -2। भाई हमने कहा था कि हम कन्वर्ट तो इसलिए कर रहे थे ताकि ये और ये कट जाए, लेकिन यहां देख रहे हैं कि 1 मीटर और यहां पर 1 किलोमीटर आ गया। तो भाई ये तो हम जानते ही हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू द 1000 मीटर, तो इसको फर्दर कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यूनिट्स को काटना है और न्यूमेरिकल वैल्यू को लाना है। क्यों, क्योंकि n2 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बच्चों देखिए यहां पर मैं लिखता हूं तो यहां आ जाएगा n2 इज इक्वल टू द केजी डिवाइडेड बाय 10 केजी, ये तो कट ही जाएगा। तो फिलहाल हम यहां पर चाहें तो लिख सकते हैं 1 × 10⁻¹। एंड हियर विल बी द मीटर एंड हियर इज किलोमीटर। तो भाई आप यहां पर लिख दीजिए ऐसे थोड़ा कि ये मीटर है और डिवाइडेड बाय 10⁻³ मीटर। भाई किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट देयर इज पावर ऑफ 2। एंड हियर विल बी व्हाट, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है बच्चों, तो इसलिए हम करते क्या है कि थोड़ा और इधर से लिखते हैं, ठीक है, यहां से लिखते हैं इस तरह से, ये इस तरह से यहां से यूज करते हैं। तो देखिए यहां लिखा मैंने n2 इज इक्वल टू द 1, हटा देते हैं भाई 1 तो 1 रहता ही है, 10⁻¹⁹
10 टू डी पावर माइनस 1 एंड हियर मीटर डिवाइडेड बाय 10 टू डी पावर 3 मीटर बाय 1000 मीटर और उस पे पावर क्या आया, देयर इज पावर ऑफ 2 एंड व्हाट अबाउट दिस, हियर इज सेकंड एंड आफ्टर दैट 1 मिनट, भाई 1 मिनट में तो कितना होता है 60 सेकंड, 1 मिनट इज इक्वल टू द, यहां लिखा हुआ है 1 सेकंड स्टार इज इक्वल टू द 1 मिनट, सो 1 मिनट हैविंग द 60 सेकंड, सो वी शुड राइट हियर 60 सेकंड टू द पावर माइनस 2। अब सेकंड से देखो बच्चों, सेकंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया, भाई एम ही हमारा ये था कि न्यूमेरिकल वैल्यू आया, सो व्हाट विल बी हियर, हियर n2 इज इक्वल टू द, ये 10 टू द पावर ऊपर जाएगा माइनस 3, तो सॉरी 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस 3, और उसका क्या है स्क्वायर, सो हियर विल बी द 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब बच्चों यहां थोड़ा समझिए कि यहां क्या है, यहां पर 1 आया था तो 1 टू द पावर माइनस 2, तो 1 पे चाहे प्लस पावर लगाइए चाहे माइनस पावर लगाइए 1 ही रहेगा। अब अगर 60 टू द पावर माइनस 2 है, भाई ऊपर भी पावर माइनस 2 नीचे भी पावर माइनस 2, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 10 टू द पावर माइनस 2 नीचे में है, या फिर उसी को लिखें तो अगर 60 टू द पावर माइनस 2 है, तो जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, भाई पावर इधर भी माइनस 2 है इधर भी माइनस 2 है पूरे पर पावर है, तो जब आप 60 टू द पावर माइनस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा 60 टू द पावर 2, और 60 टू द पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फिलहाल लिख ही देते हैं पहले 60 टू द पावर 2, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नाउ n2, n2 इज इक्वल टू द, सो हियर विल बी द 3600 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब इधर में क्या हो जाएगा, 3 डिजिट तक का यूज कर लेते हैं, सो n2 इज इक्वल टू द 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। देखिए n2 क्या आया, n2 आया न्यूमेरिकल वैल्यू, सो इफ वी आर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ n2 ओवर हियर देन आंसर विल बी, देन वी विल गेट द आंसर, भाई क्या जाएगा, सो 1 जूल इज इक्वल टू द 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 स्टार यूनिट, सो इट विल बी आंसर, इसको आप यहां से यहां पुट कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों डायमेंशन एनालिसिस पर बेस्ड 1 न्यूमेरिकल। अब आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, इसे एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। So now the second one. Listen, what about the second question? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि if force on a body is equal to the mx plus c, ऐसे दिया हुआ है, कह रहा है कि if force F on a body is equal to the mx plus c, जनरल क्वेश्चन बता रहे हैं, सबसे ईजी क्वेश्चन, ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाइए। तो कह रहा है कि हियर एम इज द मास एंड सी इज द, एम इज द मास देन फाइंड आउट व्हाट द डायमेंशंस आर ऑफ एक्स एंड सी एंड ऑल्सो फाइंड आउट विच क्वांटिटी इज देयर। भाई फोर्स की वैल्यू अगर दिया है एम एक्स प्लस सी और उसमें बता रहा है कि एम मास है, तो पूछ रहा है कि बताइए एक्स का डायमेंशन क्या होगा, या फिर ये कहिए कि वो क्वांटिटी क्या होगी, एंड व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ सी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम आपसे पूछें कि आपके पास टोटल कितने पेंसिल्स हैं, भाई आप अगर दो वन ब्रदर और वन सिस्टर हैं और दोनों के पास पेंसिल काउंट करके मैंने कहा बताइए, तो आप क्या करेंगे, आपने दिया, आपने देखा कि आपके पास 3 पेंसिल्स थे और अगले के पास क्या पेंसिल्स थे, तो 2 पेंसिल्स थे, सो व्हाट अबाउट द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल, तो आप बताएंगे 5 है। क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं क्या
टी उसमें पेन को भी ऐड करके बताइए कि हाँ हाँ सर मेरे पास टेन पेन है। भाई पेंसिल में पेंसिल ही ऐड करेंगे अगर टोटल नंबर ऑफ पेंसिल पूछा गया है तो। अगर ऐसे ही हम कुछ और पूछ दें कि भाई एक क्लास में कितने बच्चे हैं, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या कर देते सभी बच्चों को या पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो हर क्लास के बच्चों को ऐड कर देंगे, हर क्लास के बच्चों को ऐड कर देंगे, बता देंगे इतने बच्चे हैं। कि ऐसा भी करेंगे कि वहाँ के बेंच को भी ऐड कर देंगे, कहेंगे सर इतने बच्चे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि पेंसिल में पेंसिल ऐड होता है तो टोटल पेंसिल आता है। इसी तरह से स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स होगा, उसमें फोर्स ऐड करेंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा। समझिए इसको, मैंने क्या कहा कि सेम क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं, जैसे पेंसिल्स में पेंसिल्स ही ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से फोर्स में फोर्स को ही ऐड करेंगे तो फोर्स ही आएगा। तो भाई इसका डायमेंशन तो इजी हो गया। अगर आप लिखेंगे सबसे पहले इसी को लिख देते हैं कि डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एफ। भाई एक नोन था एक अननोन था, सो व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ फोर्स। आप जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। तो भाई सी का डायमेंशन पता चल गया और वो कौन सी क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे फोर्स है। अब हमें एक वन मोर क्वेश्चन वॉज दिया, डेट वॉज द एक्स। तो भाई ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो आप लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ फोर्स एफ का। तो अब हमें पता करना था कि डायमेंशन ऑफ एक्स इट इज अननोन, सो हियर विल बी द डायमेंशन ऑफ एफ एंड डिवाइडेड बाय एम। भाई एम को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ बाई एम हो जाएगा। तो अब हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू द, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द डायमेंशन ऑफ एफ, तो एम एल टी माइनस टू एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, इट इज एम, एम मास पहले ही बताए थे, तो यहां एम लिख देंगे, तो एम से एम कैंसिल कर गया एंड वी गेट द डायमेंशन ऑफ एल टी माइनस टू। तो भाई एल टी, एल का मतलब लेंथ, टी का मतलब टाइम, यूनिट में कन्वर्ट करिए तो शायद इजी हो जाए। भाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका डायमेंशन, इट इज डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब ये एक्सेलरेशन है, वैसे भी फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये क्या था, ये तो फोर्स ही था और ये पूरा फोर्स ही था। तो देखिए ये था मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं जो ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है। वो क्या क्वेश्चन है देखते हैं उसको। बच्चों एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज फॉर द वांडर वॉल इक्वेशन। तो देखो यहाँ लिख रहे हैं इन वांडर वॉल इक्वेशन। भाई लिख देते हैं वांडर वॉल इक्वेशन, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, और फिर यहाँ लिख रहे हैं वी माइनस बी इज इक्वल टू द आर टी। ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझिए क्या लिखा हुआ है, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इन वन ब्रैकेट एंड इन अदर ब्रैकेट इट इज वी माइनस बी इज इक्वल टू द आर टी। फिर कह रहा है कि इन दिस इक्वेशन पी इज प्रेशर एंड वी इज वॉल्यूम। भाई प्रेशर है, वॉल्यूम है, यहां भी वॉल्यूम है। आर, व्हाट इज आर, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एंड टी इज टेम्परेचर दिया हुआ है। तो आपसे पूछता है कि फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, कि ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन क्या होंगे। तो अब आपको यही पता करना है। तो अब आप यहां क्या करेंगे, आप इसमें परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं अरे आर का क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, उसका डायमेंशन क्या होगा, टी का डायमेंशन क्या होगा।
जबकि आपको मैंने क्या बताया कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम क्वांटिटी। तो अगर यहाँ कह रहे हैं कि ये प्रेशर है, तो प्रेशर में देखिए प्रेशर ही ऐड होगा, भाई प्रेशर में अगर ऐड कर रहे हैं तो वो प्रेशर होगा। जिस तरह से पेंसिल्स में पेंसिल्स ही ऐड होते हैं, उसी तरह से प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा। व्हाट इज ए बाई वी स्क्वायर, इट इज प्रेशर। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अगर दोनों क्वांटिटी एक ही है तो दोनों के डायमेंशंस भी सेम होंगे। भाई सेम फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशन, तो आप यहां लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ पी। भाई हम डी आई लिखते हैं शॉर्टकट के लिए, आप कॉपी में पूरा लिखेगा। तो अब लिखेंगे, हमें तो पता करना है डायमेंशन ऑफ ए, सो इट विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ पी इंटू वी स्क्वायर बाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इजी करने के लिए हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पी, भाई पी है क्या, तो प्रेशर है, पी इज द प्रेशर। तो प्रेशर, प्रेस, ऊपर में फोर्स और नीचे में एरिया, सो वी शुड राइट हियर फोर्स अपॉन एरिया। भाई जिसको याद रहेगा डायरेक्ट वो डायरेक्ट लिख देगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। और इजी करते हैं तो लिखेंगे इज इक्वल टू द फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, आफ्टर दैट देयर इज वी स्क्वायर एंड हियर इज ए। अब इजी हो गया, अब लिख सकते हैं, सो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू द मास, मास के लिए एम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आ जाएगा एल टी माइनस टू, वॉल्यूम, भाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम। तो भाई वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब, और उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एल टू डी पावर सिक्स, एंड हियर इज एरिया, एरिया के लिए एल स्क्वायर। तो भाई ये एल से ये कट गया, सो हियर वी गेट द डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू द व्हाट, एम, ये ऊपर जाएगा तो एल टू डी पावर माइनस फाइव एंड टी टू डी पावर माइनस सिक्स। सो हियर वी गेट द डायमेंशन ऑफ ए, इट इज एम एल टू डी पावर माइनस फाइव एंड टी टू डी पावर माइनस टू। अब बच्चों आप आसानी से बता सकते हैं, जब भी हम लोग क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में, सब लोग क्या करता है, पहले इसको बता देता है, ये तो आसान रहता, इसी में जाके उलझ जाते हैं। भाई वी क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस हुआ होगा। सो व्हाट इज बी, बी इज द वॉल्यूम, सो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू द वी। भाई डायमेंशन ऑफ अगर हमसे बी कह रहा है तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू द एल क्यूब। भाई वॉल्यूम का डायमेंशन तो एल क्यूब ही होता है। तो ये हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले को मैं बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सोचिएगा, ये जो अगला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं ये थोड़ा ज्यादा अच्छा हमें लगता है। क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी इज गिवेन बाय क्या, ए प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी माइनस टी, ऐसे मैंने लिख दिया। ये मजेदार क्वेश्चन है, इसमें एक जगह आप फंसते हैं और कारण बताएंगे, उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब मैं बताऊंगा अरे ये तो आसान सा था। तो देखिए क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी इज गिवेन बाई वॉट, ए प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। अब इसमें कह रहा है कि एस इज डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम, देन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ सी एंड द डायमेंशन ऑफ डी। ये सभी डायमेंशंस आपको पता करने हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो आप कहेंगे कि भाई ये डायमेंशन, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा और ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा और
ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये पूरा ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट को ही ऐड करेंगे। तो इस बेसिस पे हमें अगर पूछा जाए कि ए का डायमेंशन क्या होगा तो एल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का तो डायमेंशन एल होता है। अब आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ अगला बी टी। सो व्हाट इज बी टी? बी टी इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, सो वी शुड राइट इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एस। एस हो गया, तो भाई बी का डायमेंशन आ जाएगा एस बाई टी। सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, सो हियर विल बी द एल टी माइनस वन। ये आ गया। अब बच्चों देखिए आगे बढ़ते हैं, अब सी वाले पर जब आते हैं तो सोचते हैं ओहो सी का डायमेंशन क्या होगा। यहाँ तो न तो कुछ इसमें ऐड हुआ है और न तो सब्ट्रैक्ट हुआ है, भाई इधर से ऐड हो रहा है। ये पूरा तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन सी क्या होगा? तो मैंने कहा था यहाँ साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए आप परेशान हो जाते हैं। आप क्या कर देते हैं, तुरंत ए बी के बाद सी पर ही जाएंगे, जबकि आप चाहें तो पहले डी का निकाल लीजिए। भाई डी क्या है? टाइम है। क्यों? क्योंकि टाइम अगर माइनस हो रहा है तो ये भी क्या होगा? टाइम। तो भाई डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू द टी। ये तो सॉल्व हो गया। अब भाई ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा टाइम हो गया, ये पूरा टाइम हो गया। भाई टाइम में से टाइम माइनस होगा तो टाइम ही ना आएगा। भाई 10 सेकेंड में से अगर 5 सेकेंड माइनस होगा तो 5 सेकेंड आ जाएगा। सो वी कैन राइट हियर फॉर द डायमेंशन ऑफ सी। नाउ फॉर द डायमेंशन ऑफ सी वी शुड राइट डायमेंशन ऑफ सी बाई टी। भाई ये पूरा का पूरा टाइम ले लेते हैं, इज इक्वल टू वॉट? एस। डायमेंशन ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ एस हो जाएगा। भाई ये अगर डिस्प्लेसमेंट है, क्यों? क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो आ जाएगा डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू द, अब एस में टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एल टी। सो इन दिस वे वी आर गेटिंग द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड टी। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ध्यान तो आपको सभी को देना है, लेकिन इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है कि सी पर नहीं पहले हम जाएंगे डी पे, तो आसान हो जाएगा। तो बच्चों ये था मेरा ये वाला क्वेश्चन। मैंने कहा था कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो वन मोर क्वेश्चन एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं। और बहुत ही मज़ेदार, ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो बच्चों आप बुक में पढ़ेंगे ना, आंसर इसका दिया रहता है, लेकिन समझ में नहीं आता है, तो मैंने सोचा कैसे इसको समझाऊं। तो पहले क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth सेकंड, 5th सेकंड, 4th सेकंड, 8th सेकंड, इट इज गिवन एज u प्लस a बाय 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। भाई देखिए क्या कर रहा है। करेंट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज गिवन बाई यू, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, प्लस ए बाई टू, ए इज द एक्सेलरेशन, एंड वॉट अबाउट द n, n इज nth सेकेंड, nth मीन्स वॉट? 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, 7th सेकेंड, वॉट एवर बी द सेकेंड। तो भाई ये सेकेंड दे दिया है। सो चेक दैट गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आपको यह क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि आप बताइए कि यह डायमेंशनली सही है कि नहीं। तो आप क्या कर देते हैं, आपको फर्स्ट जैसे ही आप देखते हैं लगता है कि अरे ये तो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट है ये, तो आप सोचते हैं कि इसका तो डायमेंशन हो जाएगा एल और इसका डायमेंशन भाई इनिशियल वेलोसिटी एल टी माइनस वन। तो आप देख रहे हैं कि इस साइड का डायमेंशन और इस साइड के डायमेंशन इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल नहीं है तो ये गलत होगा, रॉन्ग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल आपको इसी को समझना है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। व्हाट द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसको समझते हैं कि भाई ये होता क्या है। तो मान लीजिए कि मैं बाइक चला के जा रहा हूँ, इस तरह से बाइक चला रहा हूँ, बाइक चलाए हुए हम जा रहे हैं, और आप हमको फ़ोन करते हैं, हम अपना ऐसे लगाए हुए हैं जैसे आप लोग हीरो की तरह लगाए रहते हैं कान में,
पूछते हैं सर आप किस स्पीड से बाइक चला रहे हैं, हम कहते हैं बहुत तेज बाइक चला रहे हैं, तो आप लोग कहते हैं सर कितना तेज चला रहे हैं, तो हम कहते हैं 36 किलोमीटर पर आवर। ओ 36, तो देखते हैं इसका मतलब क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब। तो अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि 36 किलोमीटर पर आवर, तो भाई आप इस 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस किलोमीटर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मीटर, सो हियर विल बी द 1000, हियर विल बी द 1000, इसको हमने 1000 लिख दिया। एंड व्हाट अबाउट द 1 आवर, इट इज 60 into 60, भाई 1 आवर में 60 मिनट और साथ में 60 सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। सो हियर यू आर गेटिंग दैट इट इज इक्वल टू द 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब समझिए, जब आपने हमको फोन किया था तो उस समय मेरी बाइक की स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मोमेंट्री था, आपने जिस समय पूछा 36, तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि उस समय के बाद ही मेरा 36 रहे, अचानक कोई आ गया मैंने ब्रेक मार दिया या फिर हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तो आपने जिस समय पूछा था, जिस समय एनएथ, किस समय पूछा है, 5th सेकंड 6th सेकंड एनएथ, उस समय मेरी स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो उस सेकंड में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या था, 10 मीटर, समझिए इसको। उस समय मेरी स्पीड क्या थी, स्पीड क्या थी, तो उसी बात को कह सकते हैं कि मेरी स्पीड ऐसी थी जिससे मैं 10 मीटर चल रहा था उस सेकंड के अंदर, 10 मीटर मेरा डिस्टेंस था, मेरा डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर था उस सेकंड के अंदर जब आपने मुझसे पूछा था। सो व्हाट द डिस्प्लेसमेंट इन एनएथ सेकेंड, इट इज 10 मीटर इन एनएथ सेकेंड। तो बच्चों समझिए, केवल इसको आपको समझना था, बाकी तो आप कर लेते हैं, लोग कर तो लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन एनएथ सेकेंड का मतलब हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, लेकिन कैसे, ऐसे 10 मीटर, किस समय, जिस समय आपने पूछा था, इन दैट एनएथ सेकेंड, सो इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप चेक करेंगे तो सही है कि गलत, तो आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड LHS, तो आ गया मीटर पर सेकंड, भाई इसका डायमेंशन ये हो गया। अब अगर डायमेंशन ऑफ यू पूछें तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड में आप कैसे चेक करेंगे, तो पहले आप लिखेंगे इसका डायमेंशन, तो भाई इनिशियल वेलोसिटी अगेन मीटर पर सेकंड LT-1, भाई मैं मीटर पर सेकंड इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप इजी प्रैक्टिस करते हैं, मीटर का मतलब लेंथ, पर सेकंड का मतलब टाइम। अब और आगे बढ़ते हैं, प्लस अगर ये वाला भी हमारा यही आ जाए तो करेक्ट है, तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का तो होता है LT-2, कैसे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए क्या है भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू के कोई डायमेंशन नहीं होते हैं, यहां पर nth 5th सेकंड 6th सेकंड और उसमें से -1 सेकंड, भाई 1 का मतलब क्या, वो सेकंड ही होगा, टाइम ही होगा। तो इस वाले में से 5th वाला अगर ये 5 सेकंड है तो भाई 5 2 10, -1 9 आ जाएगा। सो दिस होल क्वांटिटी इज द टाइम, तो आप यहां पर लिख देंगे टी, तो ये भी क्या आ जाएगा, आप पाएंगे इट इज ऑल्सो इक्वल टू द LT-1। सो यू आर सीइंग दैट डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली बैलेंस्ड। बच्चों अगर आप स्कूल एग्जाम दे रहे हैं तो मुझे 100% श्योर रहता है ज्यादातर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो बच्चों आप इसको तैयार कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगली क्लास में जब मैं मिलूँगा तो थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ है, हालांकि इसको कर ही देते हैं ताकि अगले क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करें। देखो बच्चों एक हमारा इसमें लास्ट टॉपिक बचता है, इट इज़ लिमिटेशन और
द डीमेरिट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जब किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाता है भाई, कुछ भी करिए कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। मम्मी खाना बना के देती हैं तो आप कहते हैं इसमें आज मम्मी नमक ज़्यादा लग रहा है, तो कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। सो व्हाट इज़ द लिमिटेशन और डीमेरिट्स ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला तो डीमेरिट यही है कि इन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन नॉट चेक द प्रेजेंस ऑफ एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज। अगर फार्मूले में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है तो हम उस चीज़ को चेक नहीं कर सकते हैं। अगर दिया रहेगा तो भी हम सही बता देंगे, और नहीं दिया रहेगा तो भी सही बता देंगे। क्यों? क्योंकि डायमेंशन उसका तो होता नहीं है। जैसे अगर t इज इक्वल टू द 2π अंडर रूट एल बाई जी को चेक करने के लिए दे रहा है, तो अगर 2π नहीं भी दिया रहता है तो भी आप चेक करेंगे तो डायमेंशनली करेक्ट आएगा, और अगर 2π दिया रहेगा तब भी डायमेंशनली करेक्ट आएगा। सो वी कैन नॉट चेक द प्रेजेंस ऑफ एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज लाइक 2, 4, 2π, 3π। सेकेंड क्या इसके डीमेरिट्स हैं? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन एस्टेब्लिश रिलेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ मैक्सिमम 3 अदर्स। वन फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन इसमें 3 से ही बना सकते हैं, उससे ज़्यादा बनाएंगे तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन लेंगे तो हो जाएगा MLT के टर्म में, सो 3 विल बी देयर एट द लेफ्ट साइड। तो अगर राइट साइड में 4 फिजिकल क्वांटिटी या 5 फिजिकल क्वांटिटीज आ जाते हैं तो आप उनके रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेकंड। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड? थर्ड क्या होता है कि अगर हमें फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कह रहा है और उस फॉर्मूले में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, तो इन सबों को हम डायमेंशनल के बेसिस पर एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला इंक्लूडिंग द लॉग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव डायमेंशंस। तो ये कुछ थे डीमेरिट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर आपके स्कूल के टीचर आपसे ये पूछते ही हैं। तो बच्चों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।